एक बार फिर आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूं शाहिद और आप देख सकते हैं कि अभी मैं अपने ऐतिहासिक रेलवे ग्राउंड के करीब आ चुका हूं और यहां से कुछ दूरी पे जो जल मीनार है, नया जल मीनार जिसका निर्माण किया जा रहा है, और पुराना जल मीनार आप देख सकते हैं जिसको अब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, चूँकि ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इसे ऑक्योपाई कर लिया है और अपने अंडर में उन्होंने ले लिया है। और इस तरह से ये जो ग्राउंड है आप इस जो देख रहे हैं, जहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ करता था, इस ग्राउंड को भी इन लोगों ने ऑक्योपाई किया है रेल वालों ने। और इसके मुआवजे के तौर पर जिसकी जिसकी ज़मीनें गई हैं, मोटी रकम उनको रेलवे गवर्नमेंट ने उनको दिया है। देख सकते हैं किस तरह से बैरियर बनाया गया है और बहुत मजबूती के साथ, बहुत स्ट्रांगनेस के साथ उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। सारी ज़मीनों को 4 लेन का एक्सटेंशन होना है, जिस तरह से GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का एक्सटेंशन करके अभी चौड़ीकरण और कर दिया गया है, उसी प्रकार ठीक 4 लेन का भी निर्माण रेलवे गवर्नमेंट ने करने का प्लान सोचा है। इसलिए उससे पहले उन्होंने ज़मीनें ऑक्योपाई करना शुरू कर दिया है और जिसकी जिसकी ज़मीनें जा रही है उनको कंपनसेशन के रूप में वो गवर्नमेंट दे रही है। और इसी दरमियान में रेलवे ट्रैक पर डाउन में एक गुड्स ट्रेन का गुजर हो रहा है, और देखो कुछ बच्चे व्यायाम एक्सरसाइज करते हुए साइकिलिंग का एक्टिंग करता हुआ। और इसी दरमियान में फिर इधर से भी एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है जो अप डायरेक्शन में आ रही है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। मौसम भी तब्दील हुई है, बारिश हल्की फुल्की आज हुई है बूंदाबांदी, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार और सुहाना हो चुका है। वैसे तो अब अप्रैल का बिल्कुल वीक चल रहा है और टेम्परेचर आज से कुछ दिन पहले बहुत क्लाइमेक्स में जा चुका था, लेकिन धीरे धीरे मौसम में तब्दीली आई और टेम्परेचर बिल्कुल 36.5 डिग्री पर आ चुका है। और इसी दरमियान में हमारे फुटबॉलर पंकज भाई भी आ चुके हैं, जाने माने फुटबॉलर और बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर हमारे पंचायत के। आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक से एक गुड्स ट्रेन का गुजर होता हुआ और अब में सियालदह जम्मू तवी एक्सप्रेस का आगमन हो चुका है। बहुत लंबी ट्रेन है और अपनी डेस्टिनेशन की ओर अग्रसर है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ट्रेन है और क्या नज़ारा है यहाँ का, देखने लायक बिल्कुल आज का साइट और दृश्य। काफ़ी खुशगवार मौसम, सूरज भी ढलने को है और खूबसूरती बढ़ती जा रही है शाम की। और ऐसे जगह भी काफ़ी खूबसूरत है, क्लाइमेट इस जगह का स्पेशली बहुत ही अनुकूल रहता है और बैलेंस रहता है निस्बतन और जगहों से, क्योंकि हम बहुत हट के हैं इंडस्ट्रियल एरियाज और क्षेत्र से, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट बिल्कुल साफ शफाफ और स्वच्छ है। मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।